चक्रवृद्धि ब्याज का अभी हमने अपना एक पार्ट अपलोड कर दिया है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2 है। और हमने अभी अपने चक्रवृद्धि ब्याज पे एक टाइप करवाया है, टाइप पर हमारी बात चल रही है अभी। वो टाइप था हमारा कि समय और दर पर आधारित सवाल, उसके मैंने आपको शायद तीन चार सवाल करवा रहे हैं। अब हमारा इसका अगला ही मतलब रेट पे अपने अगले सवाल को आते हैं। और अगर आप हमें चक्रवृद्धि ब्याज का पहला पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहला पार्ट नंबर 1 देखो और साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 8, क्योंकि मैंने पार्ट वाले 8 में मैंने उसमें अपना लगाया है बेसिक क्या है, और फिर पार्ट नंबर 1 में सवाल करवाए हैं। अब हमारा पार्ट नंबर 2 में अपने अगले सवाल है, तो हमारा अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का ये है, रेट पर संबंधित सवाल है। तो सवाल ये है, चक्रवृद्धि ब्याज की कोई राशि 2 वर्षों में ₹2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। आप उसने बताइए कोई धनराशि 2 वर्षों में, कोई राशि है और वो बोला कि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में कि बोला कि 2 वर्ष में वो 2.25 गुना हो जाती है, तो आप मुझे बताओ। तो पहले वो राशि स्वयं की तो 1 होगी ना, अब वो 2 सालों में इतनी गुना हो गए, तो आप बोलोगे अगर मैं यहाँ से डाल दूंगा पॉइंट, तो आप बोलोगे यहाँ से क्यों लगा दूंगा, समझे मेरी बात। मैंने आपसे बताया था अगर टाइम पीरियड 2 साल है, कितने साल का है 2 साल का, तो हमें पता है कि यहाँ क्या होगा स्क्वायर बनेगा। अगर टाइम यहाँ 3 साल का है तो बनेगा यहाँ पे क्यू, अगर समय कटती तो हम काट लेते, नहीं कटी तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप बताओ ये 100 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलो किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर था आप बोलोगे किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, तो आप बताओ। तो यहाँ टाइम 2 साल था तो क्या बना स्क्वायर बनाने भाई, तो आप मुझे बताओ। तो 1 साल में वो 10 से कितनी होगी 15 हो, तो आप मुझे बताओ उससे ब्याज कितने का मिला मेरे भाई 5 रुपये का, किस पर मिलेगा 10 पे, और लगा दूंगा परसेंट मिलेंगे 100 और 10 250 और 10 पंजे 50% इस सवाल का आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल को समझ चुके होंगे, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल बेसिक ही सवाल है और इस टाइप का सवाल हमें जब मैं पूछ लेता है एग्जाम में। तो आप मुझे बताओगे कि कोई राशि 2 साल में इतने गुना हो गई, तो पहले अपने आप में वो 1 होगी, हटाऊंगा यहाँ से पॉइंट, दूसरी लगा लें ये 10 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर, तो 1 साल में जो रेशियो आया वो 10 से 15 आया, तो ब्याज कितने का मिला 5 का, किस पर मिलता है प्रिंसिपल पर, लगा दें प्रिंसिपल 100 और कितने आया 50%। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारा सवाल ये समझ चुके होंगे। अब हमारा रेट पे ही अगला सवाल है, अगला सवाल वो कुछ इस प्रकार से है कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये 3 वर्ष में, मतलब बोला कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब कहने का मुझे ये है कि यहाँ से मुझे रेट निकालनी है, बोला कि 3,000 रुपये कितने हजार रुपये हैं 3,000 रुपये 3 वर्ष में, 3,000 रुपये 3 वर्ष में उसने बोला 3,993, मतलब इतने रुपये हो जाते हैं, तो बताओ ब्याज की दर क्या है। सवाल में उसने बोला कि 3,000 रुपये 3 साल में इतने रुपए हो जाते हैं, तो बताओ रेट किस परसेंट से हुए इतने रुपए, तो आप मुझे बता दो। अगर यहाँ मैं आपको बताया अगर यहाँ टाइम 3 साल है, तो मेरे भाई यहाँ पक्का क्या बनेगा, क्यों बनेगा, तो आप मुझे बताओ। अगर संख्या कटती है तो हम काट लेते हैं, नहीं कटती तो हम उसका क्यों कर देखेंगे। अगर से कट जाए किससे 3 से, तो 3 से कट जाए कितनी बार 1,000 बार, ये 3 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
क्यूब है तो आप बोलोगे 10 का, और ये किसका क्यूब है तो आप बोलोगे इसका है 11 का। आप मुझे बताओ यहाँ टाइम 3 साल तो भाई बना क्यूब, तो आप मुझे बताओ 1 साल में राशि 10 से 11 हो गई तो कितने का ब्याज मिला मेरे भाई, 1 का ब्याज मिला। किस पर मिलेगा, 10 पे लगा दूंगा गुणा का मैं 100 और 10 नहीं 100, तो आप बोलोगे यहाँ से तो बेटा कितने परसेंट आए मेरे भाई, 10% आई। बिल्कुल जो हमने पिछला सवाल था सेम उसी टाइम का सवाल था, वहां पर वर्ष 2 थे तो बना स्क्वायर, यहाँ पर 3 थे तो बना क्यूब, अगर वर्ष होते यहाँ पे 4 तो बनेगी घर का स्थान, मतलब 4 हो जाती। तो यहाँ मैं से आशा करता हूँ कि आप इस टाइप के सवालों को आसानी से कर सकते हो और आपके सवाल समझ में आ रहा होगा। अब हमारा अपना
ये है, उसने बोला निश्चित किसी निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल का जो सीआई है, उसने बोला किसी निश्चित धनराशि पर, मतलब कोई प्रिंसिपल है उस पर 2 साल का जो सीआई है, कितने साल का सीआई, 2 साल का जो सीआई है वो 282.15 तथा समान समय अवधि के लिए, मतलब 2 ही साल में समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज। अब बोला समान का समय कितना, 2 ही साल है, 2 साल का जो एसआई है वो कितने रुपए है, 270 रुपए है। तो उसने बोला तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ किस परसेंट से है। मेरे भाई सवाल हमें अभी ये सवाल लेट निकाली है, पर वो सवाल थोड़ा सा अपना लो लेवल का था, थोड़ा सा उससे हाई लेवल, ये सवाल पेपर में आया हुआ ही है तो आप इसको ध्यान रखना, ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसने बोला कि कोई धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो इतने रुपये है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतने रुपये है, तो बताओ रेट हमें निकालनी है तो आप मुझे बता दो। मैंने आपसे बताया कि सिंपल इंटरेस्ट पहले तो आपकी होता क्या है कि ये जो होता है ना ये हर साल का सेम होता, तो आप मुझे बताओ जब 2 साल का ब्याज कितने रुपए है, 270 रुपए, तो आप मुझे बता दो। मैंने माना कि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा, इस प्रिंसिपल पहले 2 साल का, तो आप लोग कितने बन जाएंगे, 2 बन लिखी तो हमें, तो आप बताओ 2 साल का ब्याज कितने रुपए है, 270 रुपए, तो 1 साल का ब्याज भी 135 रुपए होगा, 1 साल ब्याज में 135 रुपए होगा नहीं होगा, तो क्या करते हैं, तो आप 2 साल भाग कर दो, 2 ही करना 2, 2 दिया 6 और 2 बन जाए 10, तो आप बोलोगे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 135, अगले साल का भी 135, तो टोटल 2 साल का 270 रुपए। अब बताओ इसी किसी परसेंट से मैंने यहाँ पे कोई ब्याज लगाया, अब यहाँ पे कोई ब्याज आगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप मुझे बताओ जब 2 साल का ब्याज कितने रुपए है, सीआई 282.15 और 2 साल का जो ऐसे पुस्तक आप बोलोगे इनका डिफरेंस कितना आया, तो आप बोलोगे 112.15, ये क्या आया, ये ब्याज निकल पाया क्या चक्रवृद्धि, मतलब किस परसेंट से, तो आप मुझे बताओ मैंने जो ब्याज लगाया वो कितना लगाया, 135 पे लगाया, तो आप बोलोगे 112 है, मतलब 12.15 बटे में 135 और लगा दिया मैंने मेरे भाई यहाँ पे 100 लगा दिया। आप मुझे बताओ मैंने 112.15 ब्याज इस पर लिया मेरे भाई 135 पे है, तो आप बोलोगे तो 112.15 बटे में 135 गुना का लगा दिया मैंने 100, हटाओ आप यहाँ से और 2 जीरो लगा दोगे, तो आप बोलोगे इस 2 जीरो से मेरे भाई के जोड़े खत्म हो जाने नहीं होंगे, तो आप मुझे बताओ इससे इसे भाग करो, तो अगर मैं इसे करता हूँ कितनी बार, 9, 9 5 45 का 5 हासिल लगाएंगे, 4, 9 27 और 4 31 हासिल लगाए, तो आप बोलोगे ये इससे कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे इससे 9%, तो आप बोलोगे जो आर आई कितने परसेंट आई मेरे भाई, 9%। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस सवाल को समझ चुके होंगे और ये सवाल एग्जाम में आता ही आता है अपने यूपी के क्वेश्चन पेपर में, उसमें ये सवाल आया हुआ है, टिकटॉक के सवाल में सवाल की संख्या भी चेंज नहीं है, तो आप पेपर में समझ लो। उसने बोला कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 और 2 साल का साधारण ब्याज 270 रुपये है। उसने बोला कि कोई मूलधन होगा पी होगा यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट होता है कि प्रत्येक साल समान होता है, तो आप मुझे बताओ पहले साल के 135 रुपये, अगले साल के 135 रुपये, तो आप बताओ कुल कितने 270 रुपये होंगे नहीं होंगे मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ इस 270 रुपये जो ब्याज आया है वो कितना आया है, 282.15, तो आप बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस खराब कितना आया, 112.15 पर ब्याज इस पर आया 135 पे, तो मैंने यहाँ पे इसका उत्तर कितना है हमारा 9%। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल को समझ चुके होंगे। अब हमारा क्या है अपना अगला सवाल, इसी टाइप का सवाल है, संख्या हमारी चेंज होगी, मैं हर सवाल को आपके हर टाइप के कम से कम 2 सवाल आपको मैं बता दूंगा। अब इसी टाइप का अपना अगला सवाल है, अगला सवाल ये है एक निश्चित धनराशि, सवाल ये है एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए जो सीआई है, उसने बोला कि जो 2 वर्षों का जो सीआई है वो कितने रुपए है, 40.80 रुपए है, और बोला 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट
₹40 है, तो बताओ 21% से हमने सवाल का रेट निकाले, तो आप जानते ही होंगे कि अगर कोई यहाँ का प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे 2 साल का जो सिंपल है वो कितने रुपए है, ₹40, तो 1 साल में कितने रुपये आएगा, ₹20 आएगा, और अगले साल में कितने रुपये आएगा मेरे भाई, ₹20 आएगा, नहीं आएगा, 2 साल सभा कर लेंगे तो 20-20-40 रुपये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब मुझे निकालना है यहाँ से कोई मैंने परसेंट लगाइए, मतलब ब्याज मिला कितने रुपए का मिला है, तो हम लोग कितने का मिला है 0.80 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 0.80 आया, इसमें मिला चलो भाई 20 का मिला, तो हम लोग 0.80/20 और गुणा कर लगा दूंगा मैं 100, हटा दो यहाँ से और 2 जीरो का है, समझे मेरी बात, इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 2 जीरो खत्म, 2 जो 8 होते तो आप बोलोगे जो आर आएगी वो कितने परसेंट आएगी मेरे भाई, 4%। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल को समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारे अगला ही मतलब टाइप था और इस टाइप के मैंने आपको 2 सवाल करवाते हैं। अब अपना प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुकों में देखो, इस टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे। अब हमारा रेट पे हम ये बात कर रहे हैं, और रेट पे हमने आपको पहले ही पढ़ाया था और उसके बाद मैं आपको समझ करवाऊंगा। अब हमारा अपना अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा क्या है आप देखो, अगला सवाल ये है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के CI और SI ब्याजों का अंतर ₹15 है, तब राशि बताइए। एक बार सवाल फिर समझो, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के CI और SI का जो अंतर है वो ₹15 है, तो बताओ राशि क्या है। आप मुझे बताओ यहाँ पर कोई प्रिंसिपल है, मुझे प्रिंसिपल तो निकालना है, पर रेट कितने परसेंट से है, तो आप बोलो रेट कितने परसेंट है मेरे भाई, 5% है, कितने परसेंट रेट से है, 5% से है, टाइम कितने साल है, टाइम बोलोगे 2 साल है, बोला कि 2 साल में किस किस का अंतर है, SI और CI का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए है मेरे भाई, ₹15 है, तो बताओ प्रिंसिपल क्या है। ये आपका सवाल है, सवाल ये है कि किसी मूलधन में 5% से 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए है मेरे भाई, ₹15 है। मैंने आपसे बताया अगर इस टाइप का जो भी सवाल है, तो देखो मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज को करने के तो तरीके बहुत सारे होते हैं, या तो आप धन सूत्र लगा लो, या वो हम करते हैं इस प्रकार से, हम ये खींचेंगे फिर ये ऐसा हम चलाते हैं, समझे मेरी बात, या मैंने आपसे बताया कि एक होता है फ्रैक्शन मीटर के अनुसार हम करते हैं भिन्न से, या मैंने आपसे बताया कि बॉक्स से। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपसे बताया था कि बॉक्स वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, तो आप मुझे बताओ इसमें टाइम कितने साल है, 2 साल, तो अगर सबसे बन देते टाइम कितने साल है मेरे भाई, 2 साल, तो कुछ नहीं करना आप एक बॉक्स ये लगा दो, अगर साल दो तो बॉक्स कितने बनते मेरे भाई, 3 बॉक्स बनते नहीं बनते, 2 साल में 3 बॉक्स, तो आप मुझे बताओ, या तो आप यहाँ कोई प्रिंसिपल मान लो 100-200 जो आपका मन करता हो, या फिर हम सवाल के अनुसार ही प्रिंसिपल माने, तो आप मुझे बताओ इस पाँच परसेंट का जो मान होता है वो कितना होता मेरे भाई, 1/20 होता, नहीं होता, क्या करना है, इस 5% का जो भिन्न आएगी वो कितनी आएगी, 1/20 आएगी, तो कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे आपका टाइम जितने साल है तो इसके जो हर मतलब वैल्यू उसका कर दो स्क्वायर, अगर टाइम 2 साल तो कर देंगे स्क्वायर, अगर टाइम 3 साल तो कर देंगे क्यू, अगर टाइम 4 साल तो भाग लगा देंगे 4, तो आप मुझे बताओ ₹20 का अगर कर दूंगा स्क्वायर तो कितने रुपये आएंगे, ₹400, तो कुछ नहीं है, तो आप बोलोगे मैंने मान ले प्रिंसिपल कितने रुपए है, ₹400 है, अब मेरे पास प्रिंसिपल निकल आगे 400, तो आप बोलोगे अगर मैं करूँगा 20 का स्क्वायर तो कितना है, ₹400, तो ₹400 क्या है, ये ₹400 मूलधन है, समझे मेरी बात। अब आप मुझे बताओ, या तो आप 400 का 5% निकालो, या 400 का 1/20 निकालो, बात तो वही है, देखो या तो आप 400 का 5% निकालो तो कितना आएगा, 20 आएगा, या 400 का 1/20 निकालो, बात वही है, तो आप मुझे बताओ 400 का ₹400 पर
5% तक मेरे ब्याज कितने रहेगा 20 रुपये, तो 20 रुपये आप यहाँ लिखो और 20 रुपये ही आप यहाँ लिखो। समझे ना, मैंने बताया कि जो भी इस प्रिंसिपल पे जितनी भी रेट है जो भी ब्याज आएगा आप उन्हें बॉक्सों में लिख दो। लिख दिया तो 20 रुपये आए, 20 रुपये आए। अब आप मुझे बताओ ये है चक्रवर्ती ब्याज, मतलब कहते हैं कि ब्याज पे भी ब्याज। तो आप मुझे बताओ क्या इस वाले 20 से पहले कोई ब्याज है? नहीं मेरे भाई, क्या इससे पहले कोई ब्याज है? हाँ 20 रुपये है। तो अगर मैं 20 रुपये पे या तो आप 5% निकाल दो या निकालो 1/20 तो कितना आएगा? 1 रुपया आएगा, नहीं आएगा? समझे मेरी बात? तो आप मुझे बता दो पहले साल का ब्याज 20 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 21 रुपये होगा नहीं होगा? समझे मेरी बात? मैंने आपसे पार्ट नंबर 8 में बताया था, अगर आपने पार्ट नंबर 8 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट नंबर 8 देखना। मैंने आपसे बताया था कि ये हम बॉक्स का कैसे हमने इसमें साल में यूज करा है। तो अगर आपने पार्ट नंबर 8 नहीं देखा तो पहले आप सवाल जो है पार्ट नंबर 8 देखें, उसके बाद सवाल को देखें, तो आप सवाल को सही से समझ पाओगे। तो आप मुझे बता दो उसने बोला, तो देखो मैंने आपसे बताया अगर मैं ये कंप्लीट डिब्बे गिनूंगा, कंप्लीट बॉक्स गिनूंगा, तो ये जो कंप्लीट बॉक्स होते हैं ये किसे दिखाते हैं मेरे भाई? ये दिखाते हैं मुझे किसे? CI। सही है, ये कंप्लीट जो होते हैं बॉक्स ये किसे दिखाते हैं? CI को। अब ये जो बॉक्स होते हैं, जो साल वाले बॉक्स होते हैं, ये मैं दिखाते हैं किसे? SI को। समझे मेरी बात ना? ये हो गए बॉक्स SI वाले, ये वाले बॉक्स हो गए SI के, और कंप्लीट किसका होता है? CI का। तो आप मुझे बताओ दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज 20 रुपये है, 20 रुपये है, 40 और 41। तो आप बोलोगे दो साल का जो CI आया वो कितने रुपये आया? दो साल का जो CI आया वो आया 41 रुपये। दो साल का सिंपल इंटरेस्ट में 20 और 20 40 रुपये। तो आप बोलोगे दो साल का जो ऐसा जो कितने रुपये आया? 40 रुपये। तो बोला कि इनका डिफरेंस कितने रुपए है? तो आप बोलोगे जो इनका डिफरेंस है वो कितने रुपए है मेरे भाई? 1 रुपए है, नहीं है? पर इस एक का मान कितने रुपए है? 15 रुपए है। एक का मान कितने रुपए है? 15 रुपए है। तो कितने का मल्टीपल पे है मेरे भाई? 15 के। बताओ मूलधन, अगर आपको मूलधन निकालना है तो इस 15 की 400 में गुणा करो, तो 15 × 60 कितने रुपए आएगा मेरे भाई? 6000। जो भी चीज आपको निकालनी है उसमें उसकी 15 की गुणा कर दो और वो आपके पास ना एक्यूरेट वैल्यू रहेगी। तो आप लोग कितने रहेगी? 4000 6000 रुपये। तो ना माना था, हमने माना था कि प्रिंसिपल कितने रुपए है? 4000। क्या मतलब हमने माना था? आप बताओ कितने रुपए? 6000 रुपये। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल को समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हो तो मैं इसी टाइप का अपना अगला सवाल है उसमें आप समझ लेना, या एक बार सवाल को फिर देख लो। 5% की नहीं, 1/20। अगर यहाँ पे टाइम 2 साल तो मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, तो कितने रुपये आया? 400 रुपये आया। 2 साल के CI और SI का डिफरेंस 15 रुपये। तो आप बताओ 400 रुपये 5% से ज्यादा कितने रुपये? 20 मैंने यहाँ लिखा, 20 मैंने यहाँ लिखा। आपको पता है कि 20 से अगर कोई बॉक्स तो है नहीं, पर इस वाले बिक्स से एक बॉक्स है कौन सा 20 रुपये का, तो 20 पे लगाऊंगा 1/20 से कितने रुपये आया ब्याज? 1 रुपये आया। तो पहले साल का ब्याज 20 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 21 रुपये, तो कंप्लीट सेल कितना आएगा? 41 रुपये। SI कितने रुपये होगा भाई? 40 रुपये। डिफरेंस कितने का है? एक का मान 15 है, 15 में बदलो, यहाँ से आपका उत्तर आ गया। अगर आपका ये सवाल समझ में नहीं आया तो मैं इस सवाल का एक तरीका हमारे पास और भी होता है, पर वो चीज़ आपको हर चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। 2 साल में अलग, 3 साल में अलग, पर ये क्या है, ये तो चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, कुछ भी हो, आप ये बॉक्स बना लो और आप सवाल को आसानी से कर सकते हो। गलत मेथड ऐसा कर सकते हैं, एक होता है सेकेंड मेथड होता है इसका फ्रैक्शन मेथड, मतलब हम करते हैं उसका भिन्न से। समझे मेरी बात? तो आप बताओ 5% का जो मान होता है वो होता है मेरे भाई 1 रुपये, 20 रुपये। समझे मेरी बात ना? तो 20 रुपये क्या है? ये प्रिंसिपल है, और 1 रुपये क्या होता है? इसका ब्याज। तो क्या होता है अगर टाइम पीरियड कितने साल का है? 2 साल का। तो ये हमेशा का आंसर है, ये CI और SI का डिफरेंस था 2 साल का। तो आप बताओ इस एक का मान कितने रुपये है? 15 रुपये। समझे मेरी बात? अब टाइम सर कितने, हाँ 2 तो कर दो, इसका स्क्वायर कितना होगा? 400 की वजह से करेंगे हम 15 से, तो कितना आ जाएगा? 6000। ये सवाल का आंसर है। पर ये 2 साल का अलग है, 3 साल का अलग है, पर ये क्या है, चाहे 2 साल हो चाहे 3 साल हो,
आप इस सवाल का अपना आंसर निकाल सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि हमने अपने इस वीडियो में चार से जितने सवाल को करा दें, पांच से सवाल कि आपके सवाल समझ में आ गए होंगे। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हम मेहनत करते हैं। तो आप